सबसे पहले बात करेंगे आटे और चीनी के बहरान के हवाले से। जनूबी पंजाब के यूटिलिटी स्टोर पर आटे और चीनी का बहरान बरकरार। डीजी खान और रहीमिया खान में शहरियों के लिए सस्ती चीनी और आटा खरीदना खाम बनकर रह गया। लोग ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर। इंतजामिया से सस्ते आटे और चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालिबा कर दिया है। आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी का बहरान बरकरार है। डीजी खान और रहीमदार खान में शहरियों के लिए सस्ती चीनी और आटा खरीदना ख्वाब बनकर रह गया है। लोग ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है डेरा गाजी खान से जीशान सफदर ने। जी जीशान, बताइएगा। डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर पे चीनी नायाब हो चुकी है। इस वक्त आटा तो दस्तियाब है लेकिन चीनी यहाँ पे मौजूद नहीं है। खास तौर पे चीनी के कोटे की बात की जाए जो तो मुख्तलिफ स्टोर्स पे दिया जाता है, सप्लाई किया जाता है, तो बड़े स्टोर्स पे 1000 किलोग्राम डेली की बुनियाद पे दिया जाता है और इसके साथ साथ छोटे स्टोर पे 500 किलोग्राम डेली बेसिस पे यहाँ पे सप्लाई की जाती है। लेकिन सूरत हाल ये है कि जब भी फर्स्ट टाइम कोई भी शहरी आता है या तकरीबन 12-1 बजे तक कोई शहरी आता है तो उसको चीनी मुहैया नहीं की जाती और 3 बजे के बाद सप्लाई को यकीनी बनाया जाता है, जिसके बाद चीनी हाथों हाथ बिक जाती है और उसके बाद वही सूरत हाल होती है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं, इनसे हम जानते हैं। आप मुझे बताइएगा यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें खरीदने आए हैं और कौन सी चीज़ आपको मिली और कौन सी चीज़ नहीं मिली? और चीनी लेने आए, आटा और चीनी, आटा मिल गया। चीनी कहते हैं पिछले टाइम मिलेगी 3 बजे के बाद। हम परेशान हैं, मजदूर हैं, किधर जाएँ? दुकान पे 95 रुपए किलो है चीनी, इधर चलो सस्ती मिलते मिल नहीं रही, अब कहाँ जाएं हम? तो आप क्या मुतालबा करते हैं, चीनी कब होनी चाहिए, कितनी मकदार होनी चाहिए कि आपको चीनी मिल सके? मजदूर बंद है, जब जीन मकसद इधर लेना है मिलती नहीं, आटा है तो चीनी है, चीनी है तो आटा नहीं है, अब हम किधर जाएं? बेरोजगार बंदे हैं, रिक्शा चलाते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप आटा और चीनी खरीदना ख्वाब बनकर रह गया है। जीशान सफदर डेरा गाजी खान से आप हमें तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां पर मार्केट से महंगे दामों आटा खरीदने पर शहरी मजबूर हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं आमिर भट्टी। बिल्कुल रहीम यार खान के यूटिलिटी स्टोर पे तीसरे रोज भी आटा जो है वो नायाब हो चुका है। शहरी यहां पे आते हैं आटा खरीदने के लिए मगर वापस मायूस होकर खाली हाथ लौटना ही उनका मुकद्दर बना हुआ है। यूटिलिटी स्टोर पे पिछले 3 दिनों से आटे का जो महदूद स्टॉक है वो खत्म हो चुका है, जिसके बाद शहरों को सिर्फ मुश्किलात का ही सामना करना पड़ रहा है कि इंतजामिया की जानब से, हुकूमत की जानब से तो रिलीफ के तो बड़े बड़े दावे किए गए, पैकेजेस के तो बड़े बड़े दावे किए गए, मगर वो दावे जो थे सिर्फ फोटो सेशन तक ही महदूद रह गए हैं। जब यूटिलिटी स्टोर पर आटा दस्तियाब नहीं है तो शहरी जो है मजबूरन ओपन मार्केट्स का रुख करते हैं और वहाँ पर जो है अक्सर ये देखने में आया कि सरकारी रेट के मुताबिक जो है शहरियों को आटा दस्तियाब नहीं होता, जिसके बस वो ओपन मार्केट्स में महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर हो गए और जो करियाने एसोसिएशन है वो भी शहरियों को जो दोनों। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपने अपडेट के। इस हवाले से दूसरी जानब रहीम खान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर चौधरी मोहम्मद शफीक का कहना है कि गंदम और आटे की कीमत में इजाफा हुकूमत की वजह से हुआ है। उनका इस हवाले से मजीद क्या कहना है, जानते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम बताएगा। जी रहीम यार खान, में गंदम की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, ये इजाफा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। महकमा खुराक ने सबसे ज्यादा खरीदारी की तो उसने 1400 रुपये फी मन के हिसाब से खरीदारी की, मगर अब कीमतें बढ़ते बढ़ते 2200 रुपये फी मन तक पहुंच चुकी हैं। प्रेसिडेंट चैंबर ऑफ कॉमर्स चौधरी मोहम्मद शफीक हमारे साथ मौजूद है। शफीक सर, गंदम की कीमत बढ़ने की क्या वजह है? गरीब आवाम महंगा आटा खरीद रहे हैं, इसकी वजह क्या है, इसको कंट्रोल नहीं हो सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, फेडरेशन है, जब ये पॉलिसीज़ ब्यूरोक्रेसी बनाती है तो इनको साथ अटैच रखना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि गंदम की ख़रीदारी की जो पॉलिसी थी उसमें सबसे बड़ा फ्लॉ ये था कि इन लोगों से मशावरत नहीं की गई, इन लोगों को उसके अंदर उस तरह इनसी आउटपुट इनसे या इनपुट इनसे नहीं ली गई। अब अर्ज़ यह है कि जब गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बनाई तो उन्होंने टोटली बैन कर दिया कि कोई प्राइवेट सेक्टर गंदम खरीदारी नहीं कर सकेगा, जबकि फ्लोर मिल्स का ये एक रॉ मटेरियल है, वो उनके पास गंदम आएगी, आटा बनेगा, आवाम को जाएगा। अब ये इतना बड़ा खला था कि आज तक ये पूरा नहीं हो रहा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 41 लाख टन से ऊपर गंदम परचेज़ की, फ्लोर मिल्स ने पिछले साल या प्राइवेट सेक्टर ने 14 से 15 लाख टन गंदम परचेज़ की थी।
अगर यही आप गवर्नमेंट अगर या पॉलिसी बनाने वाले जो साहिबान हैं वो अगर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से मशावरत करके फ्लोर मिल्स को उस खरीदारी का अगर साथ अटैच कर लेते, 10 लाख टन के लगभग वो गंदम खरीद लेते, 1400 रुपए में इन्होंने गंदम खरीदी है, जब गंदम का रेट बढ़ना था तो वही गंदम जो फ्लोर मिल्स में थी वो मार्केट में आटा भी आ जाना था, गंदम भी आ जाने थी, ये प्राइसेस इंक्रीज नहीं होनी थी। ये गवर्नमेंट की एक बैड पॉलिसी थी जिसका आगे चलकर इन्हें मजीद खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब इस वक्त गंदम की जो प्राइस है वो 2200 रुपए है और जो गवर्नमेंट ने जो 41 लाख टन पंजाब गवर्नमेंट ने गंदम खरीदी है वो इस वक्त गोदामों में गल सड़ रही है, कीड़ा खा रहा है उसे, और अवाम के पास कुछ नहीं हो रहा। अब 9 लाख टन गंदम पास्को से इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से ली है पंजाब गवर्नमेंट ने, जो फ्लोर मिल्स को इशू की है इन्होंने, लेकिन वो इतनी महदूद तादाद में है कि उससे मैं ये समझता हूँ कि अवाम की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो सकेगी और आगे चलकर गंदम का बहरान मजीद शदीद हो सकता है। फौरी तौर पर इसको इंपोर्ट करना चाहिए। इंपोर्ट की अब सूरत हाल यह है कि डॉलर का रेट डे बाई डे बढ़ रहा है, डे बाई डे इंटरनेशनल मार्केट जो है गंदम की वो इंक्रीज हो रही है, उससे आगे चल के ये गंदम जो बाहर से इंपोर्ट होगी वो 1700-1800 रुपए से कम नहीं होगी। तो इसलिए फौरी तौर पर कुछ जामे पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। एक बुनियादी चीज़ है आटा अवाम के खाने के लिए जो उनको आसानी से और सस्ते दामों उनको मैसर आ सके।